नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट इसमें क्या प्रोवाइड की जाएगी। वे इसमें ग्रुप डी में देखिए कैंडिडेट, जरूर वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, 100% प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन किस हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी वो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसीजर रहेगा वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड करने का, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैंडिडेट, आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आप लोगों ने चेक ही कर लिया होगा। अब वहाँ देखिए, जैसे आपको हम आरआरबी अहमदाबाद का लेके चलते हैं, आरआरबी अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी थी, कितनी पोस्ट थी, तो आरआरबी अहमदाबाद का बता देते हैं। आरआरबी अहमदाबाद में 71 पर जनरली कट ऑफ गई है। अगर किसी कैंडिडेट के वहाँ 75, 76 या फिर 6 या 7 नंबर भी फालतू बन रहे हैं, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए कैंडिडेट, आप लोगों को पूरा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं कि आरआरबी जो अहमदाबाद है उसमें जो वैकेंसियां थी, उसमें वैकेंसियों के अकॉर्डिंग वहाँ 71 कट ऑफ गई है। और आप कुछ वहाँ कैंडिडेट एएलपी के भी होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट, आप लोगों को पता है कि एएलपी की पीछे 65-70 हज़ार मान लेते हैं हम, जो एएलपी के बचे थे 70 हज़ार से कम थे, लेकिन आप बता देते हैं 70 हज़ार भी जो हैं तो 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो 1 गुना बच्चे तो इसी से कम हो जाते हैं 70 हज़ार बच्चों से, अगर वो एलपी में काउंट हो जाते हैं तो। और आप लोगों को बता दें कि इसका पी फिजिकल भी बहुत टफ है, और इतना टफ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दें 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर, और साथ में आप लोगों को 35 किलो के साथ 2 मिनट में 100 मीटर को कम्प्लीट करना है, तो इतना टफ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दें कॉम्पिटिशन इतना आसान भी नहीं है, 70-80% ही क्वालिफाई कर पाएंगे। ये 100% हम डाटा बता रहे हैं आप लोगों को, 70-80% ही क्वालिफाई कर पाएंगे, 20% डाटा यहाँ कम हो जाता है, और 50 आपको 30% डाटा, क्योंकि 1/3 डाटा आप लोगों को वहाँ पर कम हो जाता है एएलपी के लिए, तो आपका 50% डाटा तो यहीं पे खत्म हो गया। 3 गुना का आप से देख सकते हैं, आपके पास सिर्फ 1/1/2, 1.5 गुना बच्चे बचते हैं। तो 1.5 गुना बच्चों में आपको अगर आपके 4 या 5 नंबर फालतू बन रहे हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो सकता है इसके अंदर। यहाँ तक कि एलपी नहीं, ग्रुप जीडी और अदर एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए थे, जैसे हरियाणा में अब तक बहुत सारे और यूपी में अब तक बहुत सारे रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे वैकेंसियों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, तो वो बच्चे भी ज्वाइन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि सीजीएल वाले बच्चे भी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, तो लास्ट 1 गुना बच्चे ही बचते हैं जो है, उसके बाद तो आप लोग सभी का जरूर सिलेक्शन होगा इसमें, जितने भी बच्चे हैं सबका सिलेक्शन होगा। और पहले ही बोल दिया है कि वेटिंग लिस्ट 2 गुना बच्चों की वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर बच्चे सिलेक्शन लेते ही नहीं है और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो रेलवे को वेटिंग लिस्ट भी जारी करनी है, वो जरूर जारी करनी है। तो कैंडिडेट ऐसा मान के चलते हैं हम कि अगर इसी तरीके से प्रोसीजर होता है कि इन्हीं बच्चों को 1 गुना बच्चे ही वहाँ फाइनल तक पहुँच पाते हैं और उनका ही सिलेक्शन हो पाता है, तो आप लोगों को बता दें कि वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। अगर मान के चलिए किसी जोन में 71 कट ऑफ गई है, तो अगर कोई कैंडिडेट के 68 नंबर थे, 69 नंबर थे, और वो रह गए हैं 1-2 नंबर से, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट रिवाइज किया जाए और उन कैंडिडेट को दोबारा बुला लिया जाए, इनका फिजिकल लेकर इनको वेटिंग लिस्ट में दोबारा बुला लिया जाए। क्योंकि देखिए कैंडिडेट, अगर वेटिंग लिस्ट 100% बनती है किसी न किसी वैकेंसी की बेसिक, उसे कम करना पड़े वैकेंसियों के नंबरों को, दोबारा रिवाइज रिजल्ट डालना पड़े, तो वेटिंग लिस्ट तो जरूर बनेगी। अगर इसी तरीके से डाटा रहा कि 3 गुना, इसी तरीके से प्रोसीजर रहा जो मैंने आपको बताया, तो आप लोग मान के चलिए कि आपकी वेटिंग लिस्ट बन सकती है, आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। फिर भी 1 लाख वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 लाख वैकेंसियों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो आप उसके लिए भी तैयारी रखिए। अगर आपके आप 1 या 2 नंबर से रहे, तो आप 100% नेक्स्ट एग्जाम में जरूर कवर करेंगे, और जरूर ही उस 1-2 नंबर को कंप्लीट करके आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर रेलवे से जुड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज़ हमारे चैनल द्वारा कवर की जाती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पल से पल पल की खबर आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू बता दी जाएगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।